हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रिटी फैमिली। क्या आप लोग बासड़ा त्यौहार मनाते हो? अगर नहीं बनाते हैं तो मैं बता देती हूँ, और अगर बनाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनाते हैं, और आप अपने बासड़े के त्यौहार में कौन कौन सी डिशेस बनाते हैं, कौन कौन से पकवान बनाते हैं। तो हम तो बासड़े का त्यौहार मनाते हैं होली के एक हफ्ते बाद, जिसको शीतला माता का त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। और इस त्यौहार के एक दिन पहले हम बहुत सारे पकवान बनाते हैं, जिसमें मेन होता है राबड़ी, जो कि चावल और लस्सी से बनती है। हमारे यहाँ तो यही बनाते हैं मेन के रूप में, वैसे तो पूरी दुनिया में यही है। अगर आप लोग कुछ और बनाते हैं मेन भोग के तौर पे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर उसके हम बनाते हैं पापड़ी, गुजिया और नमक पारी। और अगर आप लोग चाहे समोसे या फिर और कुछ भी बना सकते हैं, पर ये सारी चीज़ें मेन होती है। और ये हम एक दिन पहले बनाते हैं और इन्हें ठंडा और बासी करके दूसरे दिन भोग लगाते हैं, क्योंकि शीतला माता को ठंडे ठंडे अन्न का भोग चढ़ता है। ऐसे हम बनाते हैं बासड़े का त्यौहार। और इस त्यौहार को बच्चे कहते हैं अंटियों की कंजक, क्योंकि ये भोग चढ़ावे के बाद हम 5-7 या और भी ज़्यादा अंटियों को या सुहागन औरतों को ये खाना खिलाते हैं। ऐसे हम बनाते हैं बासड़े का त्यौहार होली के 5 दिन बाद। अगर आप लोग ऐसा कोई त्यौहार बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए हम कैसे शीतला माता की पूजा कर रहे हैं। और मुझे ऐसे वो इस ओवल के लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैंने राबड़ी ज़्यादा पी ली थी और राबड़ी में लस्सी होती है, जिससे गले में थोड़ा सा ख़राब हो गया है। इसलिए वॉइस ओवर के लिए आई एम सॉरी। आप पूजा इन्जॉय कीजिए।